रोहिणी और हर्षद की इस प्रेम कहानी में राजू की आत्मा ने उनकी जिंदगी में प्रवेश किया और दोनों की जिंदगी तहस नहस करके रख दी। सुहाग रात मनाने की बजाय दोनों शोक मनाने लगे। उस राजू की आत्मा ने हर्षद के शरीर की मदद से मोहिनी को हासिल करने की पूरी कोशिश की। मोहिनी ने जो चोट हर्षद को पहुंचाई थी उससे हर्षद तो बच गया, मोहिनी भी पुलिस केस से बरी हो गई और उन दोनों को लगा कि उन्होंने राजू की आत्मा से मुक्ति पा ली है। पर वो आत्मा आज भी मोहिनी का पीछा कर रही है। हादसे के बारे में पता चलने के बाद हर्षद के माता पिता तुरंत पूना के लिए रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार माता पिता के स्वर्गवास होने के बाद 11 दिन और 11 महीने का कार्य करना बड़ा ही आवश्यक है। आमतौर पर बहुत सारे लोगों की 11 दिन का कार्य संपन्न होने के बाद ही आत्माओं की मुक्ति हो जाती है, पर जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उनकी आत्माएं 11 महीने तक भटकती रहती हैं। तो ऐसी आत्माओं को एक साल की बरसी के बाद ही मुक्ति मिलती है। और आपके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और आपने उनका 11 दिन का कार्य भी अच्छे से संपन्न नहीं किया। कम से कम बरसी का कार्य तो अच्छे से संपन्न कीजिए ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। ठीक है पंडित जी, आइए जल्द। ओम नमः शिवाय। अगर 1000 दोगी तो तुम इसे पा सकती हो। ये अगर तुम्हारे साथ रहा तो तुम किसी चीज से नहीं डरोगी। 1000 रुपए दोगी तो बुरे सपने नहीं आएंगे, चैन की नींद सो पाओगी। सर आप आइए सर, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसी चीजें बेचते रहते हैं, आपको लेने की जरूरत नहीं। उसकी आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, उसे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा शरीर चाहिए, वो तुम्हें पाना चाहता है। ले मिस्टर, हमको पागल समझते हो, पुलिस को बुलाओ। कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सिवाय इसके। ये 6 रत्ती चांदी, 2 रत्ती तांबा और 3 रत्ती लोखंड से बना हुआ साक्षात उस महादेव के सामने अभिषेक किया हुआ यंत्र है।
इसे अपने मंगलसूत्र में डालकर रखो, सब अच्छा ही होगा। ये उस आत्मा को तुम्हारे पास आने से रोकेगा। एक बार उससे बच चुकी हो, अब वो और भी खतरनाक बन चुका है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसे लो, इस शिव की शक्ति को अपना लो, अपनी इज्जत की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो। लो, इसे एक साल तक अपने मंगलसूत्र में बांध कर रखना। याद रखना, इसे एक साल तक अपने शरीर से अलग मत करना, वरना कोई नहीं बचा सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये इस फ्लोर का प्राइवेट डोर है, अगर इसे बंद कर दो तो इन दोनों फ्लैट्स के लिए प्राइवेसी। अच्छा, चीप, दारू की कितनी बदबू आ रही है। लगता है रात में इन लोगों ने काफी पार्टी की है। मोहन, कीज कहाँ है? कीज नहीं, यहाँ पर कीपैड है, हाईटेक लॉक है ये। पासकोड है 7777, एंटर। कोड काफी इजी है। इस कोड को अगर तुम चाहो तो बाद में बदल सकते हो हर्षद। ये जगह पूरी ऑटोमेटिक है, फ्लैट बहुत अच्छा बनाया है, पर ओनर अमेरिका शिफ्ट हो गया। लकीली हमें ये फ्लैट मिल गया। ओके, नाइस फ्लैट यार। और तो और, इस फ्लैट के साथ दो मोबाइल फोन्स भी मिले हैं। मोबाइल फोन फ्री? वो किस लिए मोहन? ये एक हाईटेक फ्लैट है, पूरे फ्लैट को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इस फोन से दरवाजे खोल सकते हैं, खिड़कियाँ खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ब्लाइंड्स खोल सकते हैं, ओपन, शट, डाइनिंग टेबल बड़ा भी हो सकता है। अगर हवा नहीं आ रही है तो फैन को नीचे ले सकते हो, लाइट्स की डायरेक्शन बदल सकते हो, घर के टैब से लेकर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब कुछ कंट्रोल होता है। फोन नहीं होगा तो ये सब ऑपरेट कैसे होगा? मैन्युअली ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये देखो, मास्टर कंट्रोल का टैब यहाँ पर है, इससे सब कंट्रोल हो सकता है। अब चलो होम थिएटर भी दिखाता हूँ। अरे आप दोनों रुक क्यों गए? आओ मोहिनी, डरो मत मोहिनी, ये रूम फ्रेशनर है, इसके सामने एक सेंसर लगा है, कोई भी अगर इसके सामने से गुजरे तो ये ऑटोमेटिक स्प्रे करता है। अच्छा है ना, इससे घर महकता रहेगा। इसकी खुशबू काफी अच्छी है यार। अगर ऐसा ही स्प्रे उस कॉरिडोर में भी होता तो कम से कम दारू की बदबू नहीं आती। करेक्ट मोहिनी। देखो यहाँ पर दो बेडरूम और है, और ये है तुम्हारा होम थिएटर। कम, वाओ, सुपर्ब है यार, हम दोनों सारे मैचेस यहीं पर देखेंगे। और मैं क्या करूँगी? तुम हर आधे घंटे में हम दोनों के लिए चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाते रहना। तुम ही ना। ओके गाइस, गुड लक। मोहिनी, मैंने हफ्ते भर का सामान घर में रख दिया है, फ्रिज में दूध है, गर्म कर लेना। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल डिटेल मास्टर हो। थैंक्स यार। थैंक्स नहीं चाहिए, ट्रीट चाहिए। अरे एनी टाइम यार। बाय मोहिनी, बाय। चलो लिफ्ट तक छोड़ता हूं। नहीं, तू रिलैक्स कर, मैं चला जाऊंगा, पहुंच कर फोन करता हूं। ओके, ये लो। थैंक्स। ए मिस्टर, जरा धीमे चलो। हाँ, कौन हो तुम? आप कौन है? इस फ्लैट का ओनर। और तुम कौन हो? मेरा दोस्त यहाँ पर रहने आया है। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तुम अपने दोस्त के बारे में बता रहे? नाम क्या है? मोहन। मोहन, आगे पीछे कुछ नहीं है क्या? ओनली मोहन। तो सुनो ओनली मोहन, तुम्हारा दोस्त उस फ्लैट में है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, उसे छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था। अच्छा, वो क्या बच्चा है, अकेले नहीं आ सकता वो? देखिए सर, देख तो रहा हूँ, बोल क्या है। कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो देखने के लिए क्यों कहा? कुछ नहीं, सॉरी। क्या कहा, सॉरी? किस लिए सॉरी? हाँ, सॉरी का मतलब क्या है? मेरी सॉरी का मतलब सॉरी नहीं था, इट्स ओके था। ओके था? ओके किस लिए? मैंने पूछा ओके किस लिए। नथिंग सर, मैं चलता हूँ। चलता हूँ, यहाँ मत चलो, जाके गार्डन में चलो, यहाँ मत आओ। सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, यहाँ फिर से नहीं आना। व्हाट? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। बड़ा आया वाट वाला। ए मिस्टर, वो दरवाजा बंद करो।
बहुत ही अच्छा है हर्षद। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। जानती हो हर्षद, शादी के बाद पहली बार अकेले रह रहे हैं। हे, तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? नहीं तुम तो, देखते हो ना, तुम कोई डॉक्टर हो क्या? हाँ, तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर हूँ। अगर मैं बीमार हो कहूँ तो क्या मुझे दवाई दोगे? नहीं, इंजेक्शन लगवाऊंगा। इंजेक्शन से मुझे डर लगता है। इंजेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। छोड़ो ना, मुझे सामान अनपैक करना है। ठीक है, अनपैक करता हूँ। मैंने अनपैकिंग कहा, अनड्रेस नहीं। जाओ जाकर देखो। कमिंग। आप कौन है? बगल के फ्लैट का ऑनर। तुम कौन हो? मेरा नाम हर्षद है, ग्लोबल सॉफ्ट में प्रोग्रामर हूँ। ग्लोबल सॉफ्टवेयर वाले हो? कितने लोग रहते हैं घर में? मैं और मेरी मिसेस है। मिसेस बोले तो? मिसेस का मतलब मेरी बीवी। सच में तुम्हारी बीवी है या फ्लैट लेने के लिए कहीं से किराए पे लाए? देखिए मिस्टर, मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ। ये सच में मेरी बीवी ही है, हमारी शादी हुई है। इतने सवाल तो मकान मालिक ने भी नहीं पूछे थे। उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो पैसे चाहिए। मुझे पता होना चाहिए मेरे बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। तुम दोनों सच में मियां बीवी हो ना? सर, आपको मैरिज सर्टिफिकेट या शादी की सीडी दिखा दूं? सर्टिफिकेट डुप्लीकेट हो सकता है और सीडी भी नकली हो सकती है। सॉफ्टवेयर वाले हो ना, कुछ भी कर सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? नेबर, इसलिए रिस्पेक्ट से बात करो। आप मेरे दिमाग खा रहे हैं? अच्छा, मैं तुम्हारा दिमाग खा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आप बेकार में हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे घर पे जो आया था ना ओनली मोहन, उसने मुझे डिस्टर्ब किया। मेरे फ्रेंड ने आपको डिस्टर्ब किया? बताइए मुझे क्या किया? अपने जूतों को टक टक करते जमीन पे पटकते हुए चल रहा था। तुम दोनों भी ऐसे ही चलते हो क्या? नहीं सर जी, जिस तरह आदमी घास पे चलता है, मछली पानी में तैरती है, उसी तरह हम लोग चलेंगे। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, सुन लिया। अगली बार मेरे कानों ने कुछ भी सुना ना तो कहाँ गए थे आप? बगल वाले फ्लैट में कोई किराएदार आया है, कहता वो शादीशुदा है, लेकिन मुझे तो उस पे डाउट है। दाल में कुछ काला है, तुम उनसे बात मत करना। सब बाकी लोगों की तरह थोड़े ना होंगे, हो सकता है कि ये लोग अच्छे हों। मुझे तो शक है जानू, वो ऑमलेट जल जाएगा देखो। ये बॉक्स भी खाली हो गया। सारे कपड़े बेडरूम के कबर्ड में रखे हैं, तुम्हारी पर्सनल आइटम्स यहाँ पर रखी हैं। ठीक है। और एक बॉक्स है, उसमें सारे फोटो फ्रेम्स हैं, बाद में देखता हूँ उसे। पीठ बहुत दर्द कर रही है, कोई मसाज वाली मिल जाए तो। कौन सा मसाज चाहिए? ऑयल, पाउडर, स्विस, थाई? इतने सारे ऑप्शंस। ओके, मुझे अच्छा सा थाई मसाज चाहिए। और ऊपर की तरफ, यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाओ। साइड 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 साइड, नीचे नीचे नीचे। हाँ यही पर, यही पर, यही पर। जरा जोर से दबाना, जोर से, जोर से। थाईलैंड में भी शायद इतना अच्छा मसाज नहीं मिलता। हाँ हाँ, नहीं मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि मसाज मैं इंडिया में जो दे रही हूँ, भूल गए क्या? अरे क्या हुआ, मसाज नहीं चाहिए? हैप्पी एंडिंग नहीं करनी? हैप्पी एंडिंग मैं दूंगा तुम्हें।
हर्षद, दही तुमने फ्रिज में रखा ही नहीं। हर्षद, घर में तेल भी नहीं है। कल ऑफिस से आते वक्त याद से तुम सनफ्लावर ऑयल ले आना प्लीज। कौन है इस वक्त? हर्षद, दूध के दो पैकेट लेकर आओगे प्लीज? चाय के लिए दूध नहीं है। कोई नहीं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? तुम दूध वाले के पीछे पड़ी हो क्या? ये सब पूरे मूड की बात लगा दी। हर्षद, फिर से मसाज करो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ मैं। वो अंदर गया आदमी कब तक बाहर नहीं आता, देखता हूँ मैं भी।
हर्षद, ये प्रोग्राम इज अप एंड रनिंग। हर्षद, इससे पहले के सारे बग्स हमने फिक्स कर दिए। संजय ना, टेंशन मत लो ना, मोहन मुझे पिकअप करने आ रहा है, बस 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ओके बाय। यही पर रहूंगा, मैं तुम्हें ही देखता रहूंगा। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ओके 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 ओके, जाता हूँ, पर एक अच्छी सी किस के बाद। गए तुम? हाँ मैं ऊपर आ गया हूँ, आ रहा हूँ। हेलो ओनली मोहन, जरा इधर आना। इस बार फिर अपने दोस्त को छोड़ने आए हो? इस बार मैं अपने दोस्त को छोड़ने नहीं, पिक करने आया। तुम पिक करने आए हो या ड्रॉप करने आए हो, ये बात की बात है। चलते वक्त ऐसे जूते बजाते हो कि उनकी आवाज बंद करनी तक आती है। तुम्हारे जैसे लोग रोज नहीं आ सकते यहाँ। मैं नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? अंदर मेरी फैमिली रहती है। अंदर झांक कर क्या देख रहे थे? मैं झांक नहीं रहा था। तुम यहाँ होकर अंदर झांकोगे, इसलिए मैंने तुम्हें आने से मना कर दिया। और ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? अगली बार अगर तुम आते हो तो इन लोगों को वहाँ नीचे बुला लेना, तुम्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। अरे जूते मत बजाओ।
हाय 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 हर्षद, चल भाई देर होगी, सुनो जरा आराम से चलो। फ्लैट ओनर ने सब कुछ बताया पर इस पागल के बारे में नहीं बताया। बताता तो फ्लैट नहीं लेता ना, रात भर परेशान किया इसने। मुझे तो पूरा पागल लगता है, तुम जांच कर दो, सिक्योरिटी को कंप्लेन कर दो। ठीक है चलो चलते हैं। आप इसे प्लीज मत पीजिए। हाथ हटाओ ना जानू। ऑमलेट में मिर्ची जरा कम डालना, पेट में जलन होती है। You're late. इसकी वजह से? मेरी नहीं, इसकी वजह से। संजना रेडी है? रेडी सर। बरसों से ही सबके जहन में बस यही एक सवाल है कि आत्माओं का अस्तित्व है या नहीं। इस सवाल के जवाब को लेकर ना जाने कितनी बहस हुई है, फिर भी इसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया। आज हमारी कंपनी पैरासाइंसेस ये पता लगाने वाली है कि आत्माएं सच में हैं या फिर नहीं। यदि हैं तो जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो शरीर को छोड़कर निकल जाती हैं? हम इसी सवाल का जवाब आज यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ वेजिटेटिव स्टेट में एक स्पेसिमेन है। उस स्पेसिमेन के साथ जब हम लैब में डेथ क्रिएट करते हैं, यानी जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस बॉक्स में उसकी आत्मा भी कैद हो जाती है, यही जानने के लिए आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जिसे पूरा करने के लिए हमारे ये रेडियो सेंसिटिव स्कोप्स हमारे बॉक्स के इर्द गिर्द होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे। लैब में अगर छोटी सी भी हलचल होती है तो ये सेंसिटिव स्कोप्स उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करके उन्हें ट्रैक करेंगे। प्रेशर लॉक एक्टिवेट करके रूम को सील कर दो। यस सर। पेपर वर्क ठीक है? क्या हमें स्पेसिमेन की फैमिली से परमिशन मिल चुकी है? यस सर। बॉक्स के अंदर नैनो पार्टिकल्स की लेवल क्या है? 0% सर। सॉफ्टवेयर गाइज आप सब तैयार हैं? यस सर। ऑलराइट देन कट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेवल रिड्यूसिंग सर। हार्ट लेवल इज ड्रॉपिंग सर। 56 55 54 53। नर्व सिस्टम शटिंग डाउन। 33 32 31। टोटल ऑक्सीजन फेलियर। 23 22 21। न्यूरल एक्टिविटी 0। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। डेटा सिंक्रोनाइजिंग, सेंसिटिव स्कोप डेटा सिमुलेटिंग सर। मैं कब देख सकता हूँ? मे बी टुमारो सर। फैंटास्टिक, गुड जॉब गाइस, कल मिलते हैं। हेलो, एनीबॉडी होम? वाओ, क्या बात है, घर को पूरी तरह से रिसॉर्ट बना दिया। तुम्हें सरप्राइज जो देना था। सिर्फ यही है या कुछ इंटरेस्टिंग भी है? अभी के लिए यही, बात का सरप्राइज बाद में। ये क्या लेके आए हो? मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। माय गॉड, दिस इज रियली स्मॉल। यही तो सरप्राइज है, एक बार पहनो तो सही। इतनी छोटी ड्रेस, इससे अच्छा होगा कि मैं कुछ भी ना पहनूं। पहनो ना मोहिनी। हर्षद प्लीज। मोहिनी हर्षद प्लीज। मोहिनी नहीं ना।
किसी ने खोल दी, मुझे डर लग रहा है हर्षद। वेट वेट, जिप खराब हो गई है। तुम एक काम करो, पूरा ड्रेस ही निकाल दो। तुमने कहा था ना इससे अच्छा कुछ ना पहनो। तुम भी ना, जाओ यहाँ से, जाओ। हर्षद, देखो। नाइस। किसी फिल्म के हीरोइन से कम नहीं लग रही। चुप रहो, चलो। हाँ। बहुत सेक्सी लग रही है। पता है। ओके। मेन्यू क्या है? चिकन टिक्का सैलड, ग्रिल चिकन ड्रेस्ड इन बारबेक्यू सॉस विद सॉल्टेड वेजिटेबल्स, मैश पोटैटोस एंड ब्राउन राइस, और तुम्हारी पसंद का पास्ता और अल्फ्रेडो सॉस एंड योर फेवरेट कैरमल कस्टर्ड फॉर डिजर्ट। अच्छा, तुमने दाल नहीं बनाई क्या? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई और तुम्हें दाल चाहिए? तुम्हें सब याद था पर दाल बनाना भूल गई ना? मैं भूली नहीं, जानबूझकर नहीं बनाई। उसके साथ ये सब कैसे खाते तुम? काश तुम्हारी उस चैन में मैं बंधा हुआ होता। अब बोलो। अरे यार। ओके, ये बताओ कि आज कौन सा दिन है? वैसे आज ना तुम्हारा बर्थडे है, ना ही मेरा बर्थडे है, ना ही एकादशी है और ना ही शिवरात्रि है। गांधी जयंती भी नहीं है और चिल्ड्रंस डे भी नहीं है। सी, आई न्यू इट। आज के दिन हम मिले थे ठीक 7 साल पहले। व्हाट? रियली? जी हाँ। कम से कम ये तो याद है कि कहाँ मिले थे। हाँ, कॉलेज में वाटर फाउंटेन के पास। नहीं, लाइब्रेरी में। मैं जिस बुक को रिटर्न करने आई थी वो तुम्हें चाहिए थी। सच में? पर मुझे किस लिए चाहिए थी वो बुक? बुक नहीं चाहिए थी, मुझसे बात करने का मौका चाहिए था। एक बात बताओ, हम दोनों ने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? ये तो आसान है, स्पाइडरमैन। नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स। अरे यार, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है। शेम ऑन यू। मॉप लेकर आती हूँ। किसी और को ले आया है, मुझे तो शक है ये कोई फैमिली वाले नहीं है। आज बताता हूं, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। मोहिनी, कैसे हुआ ये? फ्लोर पर पानी था, स्लिप हो गए। ये सर, पेन लोअर बैक में है या अपर बैक में? लोअर बैक डॉक्टर। जरा उस तरफ घूमिए, दर्द यहाँ हो रहा है क्या? हाँ डॉक्टर। जरा लंबी सांस लो। लंबी सांस लेने पर ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ डॉक्टर। रिलैक्स, ये एक माइल्ड कंजेशन है, नथिंग टू वरी। तुम्हें स्ट्रॉन्ग पेन किलर का इंजेक्शन दे रहा हूँ, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। आपको कहाँ छोड़ो डॉक्टर, घर पर या हॉस्पिटल? घर पर ही छोड़ो मोहन, अब इतनी रात को मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, बहुत देर हो चुकी है, अब तो आप सो जाइए। 11:30 बजे आए और 12:15 बजे जा रहे हैं। सारे डेटा आप सबने इकट्ठा कर लिए? यस सर। मॉर्निंग सर। शो मी। यस सर।
दिस इज फैंटास्टिक, ये डिस्कवरी तो पूरी दुनिया को बदल देगी। ग्रेट जॉब गाइस। थैंक यू सर। संजना, इन सारी फाइल्स को लॉक कर दो। यस सर। कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल। ऊपर से ऑर्डर आने के बाद इसे हम रिलीज करेंगे। ओके सर। संजना, तुम इसकी रिपोर्ट बनाओ। श्योर सर। क्या जाइए? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से प्लम्बर को लेके आया हूँ, आपको कुछ ठीक करवाना है। अगली बार अगर बिना पूछे किसी को लाए ना तो तुम्हारी नौकरी गई। जाओ यहाँ से। जाने कैसे कैसे लोग हैं इस बिल्डिंग में। इस तरह का पागल तो बस एक ही है।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आए, आज प्लम्बर आया हुआ है, तो प्लम्बिंग का कुछ काम है तो बता दीजिए। नहीं है, अभी अभी हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। ओके मैडम, आप घर के सारे नल चेक कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, आज के दिन ये यही है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैं 703 से बोल रही हूँ, क्या प्लम्बर फ्री है? हाँ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, सडनली घर में पानी आना बंद हो गया है। ठीक है मैडम, मैं उसे अभी भेज देता हूँ। थैंक यू। जा भाई, 703 से बुलावा आया है। सुनिए, आज अच्छा दिन है ना, आज के दिन तो मत पियो। अच्छा दिन है इसलिए अच्छा सा बढ़िया पेक पी रहा हूँ, तो बढ़िया ऑमलेट बना कर ले आओ ना। वो देखो, लगता फिर से आ गए। फिर से यहाँ क्यों आया? उस घर की मैडम ने फोन किया था सर। अभी तो आगे गए थे, फिर क्यों फोन किया? उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है। ये अचानक से प्रॉब्लम कैसे आ गया? पता नहीं सर। तुम लोग ऊपर नीचे क्यों घूमते रहते हो? पता नहीं यहाँ फैमिलीज रहती हैं? अब चलो निकलो यहाँ से। अंदर आओ। वो मैडम सर मुझे जाने को कह रहे हैं। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये यहाँ पर कितनी बार आएगा? जितनी बार चाहे आता रहेगा। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्लम्बर भी नहीं आ सकता हमारे घर? अभी तो आया था यहाँ, तब क्यों नहीं बताया? देखिए, पहले प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। अब कैसे हो गई प्रॉब्लम? सुनो, तुम अंदर आओ। Hey, तुम जाओ वापस यहाँ से, आज तो फैसला हो के ही रहेगा। देखिए मिस्टर, अगर आप मुझे ज्यादा परेशान करने लगे तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। तुम देख क्या रहे हो, अंदर आओ। सिक्योरिटी को बुलाएगी? दिखाता हूँ मैं। सडनली घर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। देखता हूँ मैडम। पहले तुम वॉशिंग मशीन चेक करो, उसके बाद बेडरूम में जो बाथरूम है उसका शावर हेड एकदम लूज है, उसे टाइट कर देना। ओके मैडम, वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखी है? उस तरफ।
हेलो हेलो हम सब इसी बिल्डिंग में रहते हैं, सोचा पहचान कर लें। अंदर आइए ना, प्लीज कम इन, आइए बैठिए ना। फ्लैट तो काफी अच्छी तरह से सजाया है। हमने नहीं, ओनर ने ही सब कर रखा है। आप क्या लेंगे, टी, कॉफी, जूस? कुछ नहीं चाहिए, आप बस बैठिए। एटलीस्ट पानी लीजिए, सम कोल्ड वाटर? नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए ना। मैं 308, ये 303, हाँ ये 504, ये 506 और ये 509। ए, हम क्या कह दिए जो नंबर से बुला रही हो? ये है शैलजा, बासंती, सुप्रिया, इसका नाम शेरिशा और मैं हूँ लता। मेरा नाम मोहिनी है और मेरे हस्बैंड का नाम हर्षद। मोहिनी जी सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज महाशिवरात्रि है आपको तो पता ही होगा, इसलिए हम सब मिलकर आज के दिन महादेव की पूजा करते हैं। ओके, इसलिए हम आपको पूजा में इन्वाइट करने आए हैं। थैंक्स। वैसे आपकी पूजा कितने बजे शुरू होगी? 7:38। आपको जब टाइम हो आ जाइए, हम लोग सब वहाँ भजन कीर्तन करने वाले हैं। आपको इंटरेस्ट है तो आप भी आ सकती हैं। मैं भजन तो नहीं गाती लेकिन मैं आ जाऊंगी। अगर आप फ्री हो तो हमारे साथ आ सकती है, फ्लावर डेकोरेशन के लिए भी जरूरत पड़ेगी। ओके आई विल कम। ओके बाय, चलो चलते हैं। चलते हैं। वन सेकेंड। हर्षद क्या कर रही हो? नथिंग, पड़ोसी आए हुए हैं, आज रात बिल्डिंग में महाशिवरात्रि की पूजा है इसीलिए आए हैं, पूजा में आने के लिए कह रहे हैं। ए, वन सेक। अच्छा है ना। अच्छा सुनिए, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, है। हम अच्छा डिनर पर जा रहे हैं ना? हाँ जा रहे हैं। तो फिर पूजा का क्या करें? थोड़ी देर से चले जाएंगे। सी यू लेटर। ओके बाय। क्या हुआ मोहिनी, तुम्हें लगा कि मैं चला गया? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे गले का वो लॉकेट मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था। आखिर पीछा छूट ही गया उस लॉकेट से। दरवाजा खोलो मोहिनी, मुझे तुम्हें अपना बनाना है। आज मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ मोहिनी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मोहिनी। मोहिनी मोहिनी, वो कैप्टन राजू, वो यहीं पर है। अंदर है। नहीं, नहीं, पहले तुम अंदर आओ। दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ, क्या हुआ मोहिनी, बताओ ना। काम डाउन, फर्स्ट काम डाउन, क्या हुआ बताओ मुझे। राजू की आत्मा प्लंबर के अंदर है। कौन सी आत्मा, कौन प्लंबर? मोहिनी फर्स्ट काम डाउन, साफ साफ बताओ। उस राजू की आत्मा प्लंबर के अंदर है। हम यहाँ से चले जाते हैं अर्जुन, प्लीज अर्जुन, हम यहाँ नहीं रहेंगे।
लगता है मुझे चक्कर आ गया था। मुझे शुगर है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। पानी तो अच्छे से आ रहा है मैडम। वो जगह यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अगर वो है भी तो वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो आया था। प्लीज अर्जेंट, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से चले जाते हैं। मोहिनी प्लीज प्लीज काम करो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, प्लीज। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, चले जाएंगे, तुम आ जाओ, आओ। रुको हर्षद, तुम लोग कब तक इस तरह भागते रहोगे? चलो ठीक है, तुम यहाँ से निकल कर कहीं और चले जाओगे। वो वहाँ आ गया तो इसे खत्म करना होगा। हम जिंदगी भर डर कर नहीं रह सकते। व्हाट डू यू वांट मी टू डू मोहन? हम क्या करें बताओ तुम? अगर उस राजू की आत्मा यहीं पर है तो उसे खत्म कर देंगे। कैसे यार, वो एक स्पिरिट है, आत्मा है वो एक। मैं अपना फोन कार में भूल गया हूँ, अपना फोन दो। पहले देखते हैं कि वो यहाँ है भी या नहीं। वो है मोहन। एक सेकंड मोहिनी, अभी पता लग जाएगा। संजना क्या हुआ मोहन, कुछ बताओगे? बताता हूँ। आप पहले तुम अंदर चलो। देखा जानू, रात को 11 बजे एक औरत को लेकर आए हैं। ये फैमिली तो हो ही नहीं सकती, जरूर इनका कोई दूसरा बिजनेस है। जोकर, कैन समबडी प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन मोहन? अगर किसी को पता चल गया कि मैं ये इक्विपमेंट ऑफिस के बाहर लाई हूँ तो बताए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो सब मैं देख लूंगा, पहले तुम अपना इक्विपमेंट सेट करो। किस लिए? इस घर को पूरी तरह स्कैन करना है। यहाँ एक आत्मा है। क्या? हाँ, उसने मोहिनी पर अटैक किया। अटैक किया? वो एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम स्कैनिंग शुरू करो। Are you sure कि यहाँ पर आत्मा है? यहाँ तो कुछ नहीं है। I'm getting nothing। मुझे तो मच्छर भी नहीं दिख रहा। क्या बात कर रही हो? उसने मोहिनी पर दूसरी बार अटैक किया। मोहिनी, come here। यहाँ आकर बैठो। अगर वो आत्मा तुम पर अटैक कर रही है, तो तुम्हें कुछ करती क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसे पहन रखा है। क्या ये? पूजा किया हुआ लॉकेट। जब मैंने इसे पहना तो वो डर कर चली गई। एक बार इसे निकाल दो मोहिनी, फिर देखते हैं। नहीं प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा मोहिनी, यहाँ संजना है, हम दोनों हैं। अब तो निकाल दो इसे। नो प्लीज, नहीं। आई थिंक मोहन इज राइट, यू आर कम्प्लीटली सेफ। उसे निकाल दो मोहिनी, लाओ मुझे दो। नो प्लीज। डरो मत मोहिनी, हम सब है यहाँ, निकाल दो। Thank you.
तुम सब यही रुको। संजना हर्षद, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? हर्षद बोलो तो सही, संजना को कुछ हुआ है क्या? हुआ है, जो तुम्हारे साथ होना था
वो संजना के साथ पहले ही हो चुका। मतलब मैंने संजना के साथ सुहागरात कर ली, अब बारी है तुम्हारी। कहाँ जाओगी? आओ ना मोहिनी, कहाँ जा रही हो? आओ ना मोहिनी, तुम्हारे चेहरे पर डर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ मोहिनी। आओ ना मोहिनी, हर्षद का फोन तुम्हारे पास? मैं अपना फोन कार में भूल गया। ये बताओ डिनर के लिए जाना है या नहीं? माँ को सोना भी है। तुम सो जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मोहिनी, आओ ना मोहिनी, चलो हम सुहागरात मनाते हैं, आओ ना। मोहिनी, अच्छा होगा हम इसे बांध कर रखें। अब हम क्या करेंगे मोहन? मुझे नहीं पता मोहिनी। पुलिस को फोन करते हैं, उन्हें सब सच बताते हैं। नहीं मोहिनी, ऊपर संजना की बॉडी पड़ी है, नीचे हर्षद के हाथ खून से रंगे हैं। तुम पर भी केस चल रहा है, पुलिस बिना मतलब हम पर शक करेगी। तो क्या करें मोहन, हर्षद को इस तरह बांध कर तो नहीं रख सकते ना। मोहिनी,
तौर पर बहुत सारे लोगों की 11 दिन का कार्य संपन्न होने के बाद ही आत्माओं की मुक्ति हो जाती है, पर जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उनकी आत्माएं 11 महीने तक भटकती रहती हैं। तो ऐसी आत्माओं को एक साल की बरसी के बाद ही मुक्ति मिलती है। इसे एक साल तक अपने मंगलसूत्र में बांध कर रखना, याद रखना, इसे एक साल तक अपने शरीर से अलग मत करना, वरना कोई नहीं बचा सकता। फोन, फोन। ये लो। हेलो कावेरी, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। बोलिए मेम साहब। कावेरी, उस राजू की मौत कब हुई थी याद है तुम्हें? आज 12 बजे पूरा एक साल हो जाएगा मेम साहब। उसकी लाश को हमने इसी दिन दफनाया था। मेम साहब, मेम साहब। कौन है? सिर्फ आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए हमें हर्षद को बचा कर रखना होगा, फिर ये राजू की आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम ये यकीन से कह सकती हो? हाँ मोहन, सिर्फ आधे घंटे में राजू को मरे हुए पूरा एक साल हो जाएगा, उसके बाद उसकी आत्मा इस दुनिया में बिल्कुल नहीं रहेगी। मोहिनी, मोहिनी, हर्षद, मोहिनी, प्लीज मोहिनी, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। रुक जाओ मोहिनी, ये हर्षद नहीं राजू कह रहा है। प्लीज मोहिनी, मुझ पर यकीन करो, तुम्हारा हर्षद ही हूँ मैं, मुझे छुड़ाओ ना प्लीज। मोहन। नहीं मोहिनी, मैं तुम्हारा हर्षद हूँ मोहिनी, प्लीज मुझे छुड़ाओ। ठीक है, मुझे सब याद है, अब हमारी पहली कॉफी मुंबई के कैफे कॉफी डे में पी थी, जिस बस से हमने पहली बार सफर किया, नंबर है 424, गेटवे ऑफ इंडिया गए थे। पहली बार हमने चाट खाया था कैलाश प्रभात में, तुमने मुझे पहली गिफ्ट दी थी ब्राउन कलर का वॉलेट, हम पहली बार गले मिले थे और तुमने मुझे किस भी की थी हॉस्टल के गेट के बाहर, मुझे ये सब याद है मोहिनी। आई लव यू मोहिनी, आई लव यू मोहिनी, आई लव यू, आई लव यू अर्जुन। मोहिनी, अर्षद, 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 नहीं मोहिनी, ये सब इस राजू का ड्रामा है, तुमने कहा ना हम आधा घंटा इंतजार करेंगे। ये लॉकेट निकालो मोहिनी, अगर हर्षद को बचाना है तो ये लॉकेट निकाल कर उसके गले में डालना होगा, तभी इसकी जान बच सकती है। लॉकेट डालो मोहिनी, लॉकेट डालो मोहिनी, सोचो मत, लॉकेट डाल दो, ये मर जाएगा मोहिनी।
मोहिनी, जल्दी डालो। क्या क्या किया तुझे हासिल करने के लिए? सुनिए ना, बगल के फ्लैट में से आवाजें आ रही हैं। आप जाकर एक बार देखिए ना। अरे मैं क्यों देखूं? सब के सब पी कर मस्ती कर रहे होंगे और क्या। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बहुत जोर से आवाजें आ रही हैं वहाँ से। प्लीज एक बार जाकर देख लीजिए। अभी मैं खेल रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। कहाँ जाओगी मोहिनी? आओ मोहिनी, मोहिनी आओ, मोहिनी मोहिनी। लड़की के चीखने की आवाजें आ रही हैं। कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है वहाँ। प्लीज आप वहाँ एक बार तो जाइए। हरगिज नहीं जाऊंगा मैं वहाँ। सिक्योरिटी को शिकायत करने वाली थी, अब मरती है तुम्हारे, तुम पता फेंको। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए आप जाकर देखिए प्लीज। आप इस बार इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको याद है ना, पिछली बार भी आपकी गलती की वजह से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी फिर से ऐसा कुछ हो। अरे इतने से क्या होगा, थोड़ा और लीजिए ना अंकल। बस बस, ज्यादा हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा अंकल, फॉरेन का माल है, बहुत ही आराम से चलती है। अच्छा अच्छा, अरे दो ही ऑमलेट बनाए तुमने, दो और बना दो। ठीक है। सुनिए ना, आज मत पीजिए प्लीज। रोज दो पैक पीना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए उसे यहाँ मत बुलाया कीजिए, वो
अच्छा आदमी नहीं है। देखो जानू, बुराई का सर्टिफिकेट किसके माथे पर होता है क्या? अरे अच्छा आदमी है वो। अंडे है ना, जल्दी से ऑमलेट बना दो। अंकल जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े, मेरा फ्लैट बगल में ही है, मेरे पास स्टॉक भरा रहता है। डोर का कोड है 7777, जितना चाहिए ले सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अंकल मुझे पता था आपको ये पसंद आएगी, मैंने आपके लिए पूरा बॉक्स मंगा के रखा है। थैंक यू यार। ये आपका लास्ट पैक है। हाँ, हम नहीं चाहिए, आज ज्यादा ही हो गई। बिल्कुल भी नहीं, ये आखिरी जाम मेरे अंकल के नाम। हाँ। तुम नहीं मानोगे। अंकल अंकल, आंटी। क्या है? कुछ नहीं आंटी, आपने जो ऑमलेट बनाया था बहुत टेस्टी था, तो आप कितनी टेस्टी होंगी आंटी? चप्पल उतार कर मारूंगी मैं तुझे, निकल यहाँ से। सुनिए सुनिए। अंकल तो सुबह तक उठने से रहे, मैं आपको एक बार जोर से हक करके किस करना चाहता हूँ आंटी। सुनिए आंटी, आंटी मुझे किस कीजिए ना, बचाइए मुझे। मुझे एक बार किस कर लीजिए, फिर आप अंकल को भूल जाएंगी, आप रोज मेरे पास ही आएंगी। आंटी आंटी, अरे मेरी बात तो सुनो आंटी, प्लीज एक साथे किस चाहिए मुझे। आंटी आंटी प्लीज आंटी, साथे आंटी। ऐ आंटी, ऐ छोड़, बचाइए साथे को, छोड़ बचाइए आंटी साथे। आंटी आंटी साथे, बचाइए मुझे। कितनी कोशिश की तुझे पाने की, और तू है कि मुझे नचा रही है। प्लीज आप जाकर देखिए। Thank you.
बगल के फ्लैट में प्रॉब्लम चल रही है, आपको कब पता चला? रात को 11 बजे वहाँ से पता नहीं क्या क्या आवाज आ रही थी। पहले तो मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मेरी पत्नी ने मुझे कहा तो फिर मैं वहाँ गया। आपकी वाइफ का स्टेटमेंट भी लेना होगा, जरा उन्हें बुलाइए। जरूरी है क्या? ठीक है बुलाता हूँ। स्वाति, स्वाति, आपसे एक बात कहनी थी सर। क्या बात है? मतलब उनकी वाइफ गुजर गई सर। और उस लड़के का क्या हुआ? पुलिस वालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। सुनने में आया कि वो अमेरिका में है, और ये है कि अपने बीवी के मरने का गम आज तक नहीं भुला पाया। ये आदमी शराब का आदी हो चुका है, ये अपनी बीवी से बातें करता रहता है, इसे लगता है कि वो अब भी जिंदा है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी देखा कहाँ? बस तुमने तो आवाजें सुनी थी, बाकी मैं संभालूंगा। आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ जानो, मैं हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराओ, मैं सब संभाल लूंगा। देखो तुम आ जाओ, चलो ना, देखो बोझ बन जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना। इसे दिव्य शक्ति कहें या मोहिनी की तकदीर, दूसरी बार मोहिनी उस राजू की आत्मा से बचकर निकल गई। अघोरी ने मोहिनी को उस यंत्र के बारे में बताया था और कहा था कि भटकती आत्माएं एक साल बाद विलीन हो जाती हैं। तो मोहिनी को लगा कि उसने राजू की आत्मा से छुटकारा पा लिया। माँ, मेरे पापा स्वर्ग में गए हैं कि नरक में गए हैं? चलो बेटा हाथ धो लो अपने। मेरी गारंटी है कि तेरा बाप ना नरक में गया होगा। मेरी बहन को परेशान किया और तो पर अत्याचार किया उसने, नरक में सड़ेगा वो। क्यों राजू, तू नरक में ही जाएगा, वहाँ उबलते तेल में डालकर तेरी